नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल एस्क्लेपियस आयुर्वेदा में। दोस्तों, आज के सेशन में हम आपके लिए लाए हैं काली मिर्च, जो कि एक गर्म मसाला भी है और एक औषधि के रूप में भी इस्तेमाल होने वाली औषधि है। दोस्तों, इस सेशन के माध्यम से हम बताएंगे काली मिर्च क्या है, इसकी तासीर कैसी है, इसे कब इस्तेमाल करना चाहिए और काली मिर्च को इस्तेमाल करने से क्या क्या फ़ायदे हैं। इन सारी बातों की चर्चा इस सेशन के माध्यम से हम करेंगे। तो दोस्तों, जो भी नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो हम स्टार्ट करते हैं, काली मिर्च क्या है। आमतौर पे हम अपने रसोई घरों में मसालों का इस्तेमाल करते रहते हैं, जिसमें बहुत सारे मसाले हैं, उन्हीं में से एक काली मिर्च भी शामिल है। ये एक सूखे बीज के रूप में काले रंग का होता है, जो कि खाने के स्वाद को थोड़ा तीखा बना देता है। काली मिर्च का उपयोग सिर्फ रसोई घरों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका इस्तेमाल औषधि के रूप में भी किया जाता है। काली मिर्च एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है, जो कि वात एवं कफ पित्त दोष में काफ़ी कारगर होती है। काली मिर्च को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे इसे कोल मिर्च भी कहा जाता है। इसकी खेती ज़्यादातर भारत के दक्षिणी राज्यों में की जाती है। काली मिर्च पौधे से मुख्य रूप से जब इसके फल सूख जाते हैं तब इन्हें निकाल लिया जाता है। इसका स्वाद तीखा होता है और इसकी तासीर गर्म होती है, इसीलिए इसका इस्तेमाल अधिकांशतः ठंडियों में करना चाहिए। काली मिर्च हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभकारी माना गया है। इसमें पाए जाने वाले न्यूट्रिएंट्स हमें बहुत से फायदे पहुंचाते हैं। तो आइए दोस्तों, देखते हैं काली मिर्च के इस्तेमाल करने से क्या फ़ायदे होते हैं। काली मिर्च का चाय पीने से या कढ़ा में इसको इस्तेमाल करने से हमारे शरीर के विषैले तत्व बाहर निकल जाते हैं तथा हमारा ब्लड शुगर भी नियंत्रित रहता है। काली मिर्च का इस्तेमाल सांस संबंधी समस्या, अपचन, वजन घटाने इत्यादि में होता है। काली मिर्च की तासीर गर्म होती है, जिससे कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी तेज हो जाता है, इसीलिए इस मसाले या इस औषधि को ठंड में सर्दी या जुखाम से बचाए रखने में इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारे बालों के लिए भी काफ़ी कारगर सिद्ध होता है। इसके अलावा हमारे पाचन तंत्र को चुस्त दुरुस्त रखने में काफ़ी कारगर होती है। काली मिर्च भूख बढ़ाने के लिए भी कारगर होती है, गठिया या उसके दर्द से परेशान लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। इसका उपयोग हमारे बॉडी से बैड कोलेस्ट्रॉल को हटाने में काफ़ी कारगर होती है। काली मिर्च कैंसर एवं मधुमेह रोगियों के लिए काफ़ी लाभदायक है। काली मिर्च हमारे हृदय तथा दिमाग की कार्यशीलता को भी काफ़ी सक्रिय करता है। काली मिर्च तनाव तथा पाचन संबंधी समस्याओं में काफ़ी उपयोगी सिद्ध हुई है। ये सभी फायदे काली मिर्च के इस्तेमाल से होते हैं। दोस्तों, आज के सेशन के माध्यम से हमने जाना कि काली मिर्च क्या है, इसका स्वाद कैसा होता है, इसकी तासीर कैसी होती है, इसे कब इस्तेमाल करना चाहिए और इससे होने वाले फायदों के बारे में। तो आई होप दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में इसी तरह की नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।